पूज ही मन कामना तुम्हारी कामना, और कामना स्त्री वाची पुरुष है, और राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, ये पुरुष वाची शब्द है। कहां कौन सा शब्द लिखना चाहिए, ये श्री तुलसीदास जी बड़े ध्यान से लिखते हैं। अब अगला दिन हुआ, अब शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए, कहा कि अब आप सीता जी के स्वयंवर में चलिए। तो गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए जाई, सीय स्वयंवर धो देय बड़ाई, सिय स्वयं वर दे का, सीता जी का स्वयंवर देखो, मैं भी साथ में आता। अच्छा देखिए, पुष्प वाटिका प्रसंग से पहले तुलसीदास जी ने सीय स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। आए देखन चापमख धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, जहां धनु मख हित भूमि बनाई, पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि स्वयंवर मतलब होता है जहां पर कन्या स्वयंवर का वरण करे, पर ये कोई स्वयंवर थोड़ी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार करे हरते। जो धनुष को तोड़ेगा चाहे वो कोई भी हो उसका विवाह करा दिया जाएगा, ये कोई स्वयंवर थोड़ी है। पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी मिले और दोनों ने एक दूसरे का वरण कर लिया। श्री सीता जी ने लोचन मग राम ही और आनी, दीने कपट खटपास सयानी। श्री सीता जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में बिठा लिया और फिर नेत्र बंद कर लिए ताकि फिर निकल ना पाए राम जी। और राम जी ने क्या किया, परम प्रेममय मृदु मशिकीनी चारु चित्त भीती लिख लीनी, परम प्रेम रूपी स्याही अपने हृदय रूपी स्लेट में सीता जी का चित्र बना लिया। तो श्री सीता जी ने जब राम जी का वरण कर लिया और राम जी ने जब सीता जी का वरण कर लिया, तो फिर बाबा लिखते हैं कि सीय स्वयं वर दे, स्वयं पर काव्य शब्द का प्रयोग किया। अब गुरुदेव कहते हैं ईश का हिधो दे बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल यही गुरुदेव कह रहे थे कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, और आज कह रहे हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है।
तो लक्ष्मण जी ने गुरुदेव को याद दिलाया और कहा, लखन कहा जिस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन बनेगा। हर्षे मुनि सब बर सुनी बानी, सब ही आशीष दीन मन माही। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे मही पाए। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। अब राम जी तो एक देखने वाले अनेक, देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धरे शरीरा, शरीरा देखहि रूप महा, वीर रस धरे शरीरा देखहि रूप महा। जो रणधीर थे, ऐसे बलवान राजाओं को भगवान ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रस विराजमान हो। अच्छा योगियों ने कैसे देखा? कहा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सहज सम शुद्ध प्रकाश। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं। भगवान जैसे शांत हो गए। और विद्वानों ने कैसे देखा? कहा, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, सहस्त्र शीरखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। भगवान के हजारों मुख हजारों हाथ पांव, ऐसे विद्वान विराट रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। अब कुछ राक्षस राजाओं का वेश बनाकर सभा में आ गए थे।
तो रहे असुर छल छौन पवेशा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उनको भगवान काल की तरह लगे। और जनक जी के जो संबंधी जन हैं, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हो। बाबा ने सबका बताया तो किसी ने बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा आपने सबका बता दिया कि कौन कैसे श्री राम जी को देखते हैं, पर अब जरा ये भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही हैं। सीता जी, तो तुलसीदास जी बोले कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों, आपने सबका बताया तो आप सीता जी का क्यों नहीं बता सकते? कहा कि क्योंकि सीता जी खुद नहीं बता पा रही हैं कि हम राम जी को कैसे देख रहे हैं। और अनुभवति ना कह सको सो, कवन प्रकार कहे कवि को। पूज्य पाद बिंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, प्रिय पाहुने के प्रत प्रीत बधु, प्रगटी नहीं घूंघट मैं ही रही, अनुराग उमंग तरंगिनी भी, तट सेना बड़ी तट ही मैं रही, दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दीर्घ संपुटी के पट मैं ही रही, और घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही मैं रही। और अनुभवति ना कह सकशो, कवन प्रकार कहे कवि को। अब जनक जी ने वंदी जनों को बुलाया। तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी को जनक जी ने बुलाया और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा, तुम लोग सभी राजाओं को सुनाओ। तो वंदी जन आ तो रहे हैं, महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सुना तो रहे हैं, पर मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह श्री सीता राम जी का ही हो जाए। एक सखी बोली कि मैंने तो कल ही कह दिया था कि धनुष ही तोड़ेंगे, क्यों?
क्योंकि तोरी गो धनुष जाने आज फूल तोरे हैं। जिसने आज पुष्पों का चयन किया है वही धनुष तोड़ेगा। तो अब बंदी जन सोच रहे हैं कि होना तो यही चाहिए जो सभी राजा सोच रहे हैं, और होगा भी यही, होना तो यही चाहिए जो सभी लोग सोच रहे हैं और होगा भी यही। क्योंकि हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि कुछ और कुछ कह देंगे, पर हमसे तो कहा गया है कि प्रतिज्ञा सुनाना है। कोई बात नहीं, सुनाते। अब देखिए ये वंदी जन बड़े चतुर हैं, चतुराई से बात करते हैं। वंदी जन कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, हम महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सबको सुना रहे हैं। ये जो सामने शिव धनुष रखा है, इस धनुष के पास कोई मत जाना। अब जनक जी चौंके कि ऐसा मैंने कब कहा कि कोई मत जाना। जनक जी ने देखा, अरे महाराज, हाथ जोड़ के बोले, आपकी ही बात कह रहे हैं, थोड़े ढंग दूसरा है। अच्छा तो क्या ढंग है? अरे महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। अच्छा सुना, सुनो सुनो सुनो, इस धनुष के पास बिल्कुल मत जाना। अब राजाओं में भी उत्तेजना हुई, भाव टेढ़ी हुई। एक राजा बोला कि अगर हम धनुष के पास आए हैं तो क्यों ना जाएं, अगर हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना जाएं, और ना जाएं तो आए क्यों हैं। बंदी जनों ने कहा, सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चलते हैं तो चंद्रमा का पता लगेगा, नहीं लगेगा। तो नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। राजाओं, तुम्हारी भुजा का बल चंद्रमा के समान है और ये धनुष राहु है, अब जाना है तो जाओ। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। राजा बोले, तुम एक भुजा की बात करते हो, हमारी दो दो भुजाएं हैं। बंदी जन बोले कि यहां 20,000 भुजाओं वाले चले गए, रावण बाण महाभट भारे, देखी शराशन गवही सिधारे, और सुई पुरारी कहां दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो इस धनुष का खंडन करेगा वही त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरे हटते। और ऐसे घुमावदार ढंग से कहा, तो जिनकी कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं। और आप लोगों को बताऊं मैं कि कभी कभी बात बनाने से, बहाने बनाने से काम बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। चलो दोनों चीजें से समझो।
एक आदमी के घर एक मेहमान आया, तो अब वो रुका, बड़ा स्वागत सत्कार किया उसने जिसके यहाँ आया था। अब चार पांच दिन हो गए, वो जाने का नाम ही ना ले, वहीं पे रुका रहे।